थोड़ी दूर बैठ जाए, इन्हें फिर पकड़ लिया जी। एक ने मैं पकड़ लिया, उसका मरदा रहा जी। वो वैसे क्रिमिनल आदमी है, पूरा गाँव उनको जानता है। उन्होंने दो दो तीन तीन मर्डर करे हुए हैं, जमानत पे आए हुए हैं। तो नगर का पूरी बेरहमी था महाराज जी, उसके कपड़े कुपड़े सारे कुछ काट दिए, कच्चा भी उड़ी पड़ा था जी उसका। तो अपनी गुंडा कर दिया तो दिखा रहा था ना वा, मतलब दहशत दिखा दे, इसने मेरी ठोडी को हाथ, उसके ठोडी को क्या लगे हुआ था मुंह को। पहला भी मर्डर कर रखे जी, मर्डर केस में हाई कोर्ट पता जमानत पे रहे जी। इसकी कोई पुरानी रंजिश जो मौके पता जी ओडा, तो कोई पुरानी रंजिश नहीं, सिर्फ नुका था बुआले ठीक है के। पानीपत जिले के गांव रेरकला में पीट पीट कर एक व्यक्ति की हत्या कर दी गई। जी हां, आरोपी पड़ोसियों ने रंजिशन हत्या की वारदात को अंजाम दिया है। बीच बचाव में आए व्यक्ति के भाई और दोस्त को भी पीटा गया है, ऐसे आरोप परिवार वालों की तरफ से लगाए गए हैं। आरोपी व्यक्ति को तब तक पीटते रहे जब तक वो अचेत नहीं हो गया। इसके बाद वो मौके से फरार हो गए और अचेत अवस्था में व्यक्ति को तुरंत सिविल अस्पताल लाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। मामले की शिकायत पुलिस को दी गई और जिसके बाद पुलिस ने शिकायत के आधार पर आरोपियों के खिलाफ हत्या का केस दर्ज कर लिया है। मामला जी, यो पवन और सतबीर बाइक पाए जी, हम खेत में बैठे थे जी, सड़क लाग गया जी, सड़क के किनारे हम खड़े थे, तो इन नायक मार दो बाइक रोक ली जी। नूबल ले ठीक हो मगा ठीक है जी। तो यु पवन लड़का जी, जो इसकी बुआ का लड़का लाग गया था जी, उन्होंने इसकी ठोडी बात लाकर उन्होंने कह दी और बुआ ले ठीक है। वो इस तक गाली दे के बोला, उन्होंने मेरा हाथ कुकर ला दिया पवन ने जी, उस तक गाली दे उसके अल्लाह मारपीट कर लग गया जी। उसके साथ सतबीर भी लग गया जी, मैं कल्ला था, उसका मार मुर दिया जी, उस ज़्यादा दिक्कत में हो गया वो। तो मैंने वो इन काबू कुबू करके दोनों जने में मना कर लिए जी। थोड़ी दूर मैंने भगाया भी, मगर तोली कट जा, मगर चल मैं तक संभाल ला रहा इन्हें। तो मैं मेरे काबू को नहीं आया जी, थोड़ी दूर बैठ जाए, इन्हें फिर पकड़ लिया जी। एक ने मैं पकड़ लिया, एक उसका मरदा रहा जी। तो उन्होंने एक करके जी, वो थोड़ी दूर और आगे जाके इन्हें पकड़ लिया जी। मैं उसकी गोजी में टेस्टर थे जी, बिजली का काम करा कर था जी, इसके टेस्टर काट लिए। वो पता नहीं मैंने इसका लगे है या ना लगे है, तो मेरा तो लग रहा। मैंने उसका कोशिश यार रही, मैंने उसका लागण दिया, मैं कहीं ना बचाओ ठीक है। तो उन नकर का पूरी बेरहमी था महाराज, उसके कपड़े कुपड़े सारे कुछ काट दिए, कच्चा भी उड़ी पड़ा था जी उसका। ये भाई कोई पुरानी रंजिश थी अचानक से एकदम? इसकी कोई पुरानी रंजिश जो मौके पर था जी ओडा, तो कोई पुरानी रंजिश नहीं, सिर्फ नुका था बुआ ले ठीक है के। पहला भी मर्डर कर रखे जी, मर्डर केस में हाई कोर्ट पता जमानत पे रहे जी, बदमाश कवर तेरा पहला हाई कोर्ट तो जमानत पे रहे जी मर्डर केस में। सदर थाना पुलिस को दी शिकायत में सुरेश कुमार ने बताया कि वो गांव रेरकला का रहने वाला है। 15 अगस्त को गांव के रहने वाले अजय के साथ गांव में ही घूम रहा था। इसी दौरान वहां एक अज्ञात राहगीर ने सूचना दी कि कुछ लोग एक व्यक्ति को स्टेडियम के पास पीट रहे हैं। सूचना मिलने पर वो अजय के साथ स्टेडियम के पास खेतों में पहुंचे, जहां उसका भाई नरेश से पवन सतबीर मारपीट कर रहे थे। उन दोनों ने नरेश का आरोपी से बीच बचाव करने की कोशिश की, तो दोनों ने उनके साथ भी मारपीट की। ठोडी को हाथ क्यों लगाया? ये एक बदमाश की मतलब दहशतगर्दी दिखा रहे थे भाई, मेरी ठोडी क्यों हाथ? क्योंकि पीछे भी संध में ना मर्डर कर रहे क्या, और यहाँ अभी नजात जगह पे अपना घर बनाए हुआ है, फिर भी इधर दो मर्डर इस गाँव में भी कर दिए इन्होंने। क्या नाम था भाई का? मरने वाले का नरेश। कितनी उम्र थी? 42-43 साल। शादी हो रही है? दो लड़के हैं। कितनी उम्र के हैं? 43 साल का। छोटे छोटे हैं जी, एक 13 साल का, एक 15 का। तो मजदूरी काम करते हैं? मजदूरी है जी। तो अचानक से ऐसा क्या, कोई पुरानी रंजिश भी थी किसी बात को लेके? रंजिश तो कुछ नहीं थी जी, एकदम से शरीफ था जी वो, तो किसी तरह बेचारे तक गलत नहीं बोल सके था वो। प्रशासन से यही मांग है जी, देखो ये तो जो मरने वाले निर्दोष है, एकदम से शरीफ है, और जो ये किया इन्होंने, जो इनको कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। मामला मर्डर हुआ है जी, पुरानी रंजिश तो नहीं थी। मैं बाहर उनका पहले 300-302 में पहले अंदर जमानत पे है, एक डकैती के केस में अंदर है, अंदर था, जमानत पे आए हुए हैं दोनों। सर जो मरा उसका हालात कैसा था? वो बहुत बढ़िया लड़का था, बहुत बढ़िया लड़का था, किसी को कुछ नहीं कहता था, हर एक आदमी को राम राम करके निकलता था, बहुत अच्छा लड़का था। प्रशासन से हमें पूरी उम्मीद है कि प्रशासन हमारा साथ देगा और जो दोषी हैं उनको अंदर डालेंगे, बिल्कुल प्रशासन हमारा पूरा सहयोग कर रहा है। सर नाम बता दो तुम। मैं सरपंच हरदीप सिंह। आरोपी पवन ने कहा कि जब पहले हमारा और तुम्हारा झगड़ा हुआ था, तब तो मैंने तुम्हें छोड़ दिया था, लेकिन मेरे मन में तुम्हारे परिवार से बदला लेने की टीस थी। आज तुम्हारे भाई नरेश को मारकर मेरे मन की टीस पूरी होगी, तुम भी यहाँ से चले जाओ, नहीं तो तुम्हें भी जान से मार दूंगा। इसके बाद दोनों आरोपी वहां से बाइक सवार होकर फरार हो गए।
मारपीट से अचेत हुए नरेश को दोनों बाइक पर बैठाकर गांव में एक क्लिनिक पर ले गए, जहां उसे अस्पताल ले जाने को कहा गया। इसके बाद नरेश को सिविल अस्पताल ले गया, जहां पर डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। तो फिलहाल जो है सारे मामले की पुलिस द्वारा जांच की जा रही है। अपील रहेगी इस वीडियो को आप शेयर जरूर करें। वैसे पानीपत के लिए सूरज शर्मा के साथ कुलवंत सिंह की रिपोर्ट।